Happy Valentine's Day! So hello guys, welcome back to our new vlog. और फिर से हम लोग न्यू वीडियो के शूट के लिए आ चुके हैं स्मार्ट स्ट्रीट पे और आज कुछ स्पेशल शूट करने वाले हैं हम लोग. आज है टेडी डे, तो हैप्पी टेडी डे आप सभी को. आप सभी हमारे लिए टेडी हो. और वैलेंटाइन आने वाला है, तो वैलेंटाइन स्पेशल ही अभी वैलेंटाइन से ही रिलेटेड अभी हमारा वीडियो रहेगा. वो तो देख ही लिए होंगे आप लोग, कमेंट करके बताने कैसा लगा. तो आज हम लोग सोच के आए कि आज पूरा दिन में कंप्लीट करके जाएंगे, क्योंकि वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो जल्दी से लाना पड़ेगा हम लोग को वीडियो वैलेंटाइन से पहले, तभी आप लोगों को भी देखने में मजा आएगा. ऐसे वैलेंटाइन के दिन डालेंगे तो मे बी आप लोग वैलेंटाइन में कहीं बिजी रहोगे अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एंड ऑल के साथ, तो आप लोग हमारे वीडियो को देख नहीं पाओगे. तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं एक दिन पहले रिलीज करने का. तो देखते हैं हो पाता है कि नहीं. बाकी हम लोग पूरा अपना बेस्ट ट्राई करेंगे. बाकी सब सारे चेहरे को पहचान रहे हो आप लोग, क्योंकि सारे चेहरे वही है जो लास्ट वीडियो में दिखे हैं, है ना. और लिटन भाई सो के उठ के आ गए हैं, गजब बेइज्जती है. स्टे ट्यून्ड. बाकी आप लोग अपने तरफ से इनको हैप्पी वैलेंटाइन डे विश कर दो, क्योंकि ये बाद में ब्लॉग आएगा. सो हैप्पी वैलेंटाइन डे हम लोग सभी के तरफ से. सो हमारा दो सीन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है. और हम लोग को थोड़ा ब्रेक मिला है. बाकी हम तो कुछ नहीं खा रहे हैं, ये खा रहे हैं. मतलब आजकल रूही सेहत पे अपने ज्यादा ही ध्यान दे रही है. यस, फ्रूट्स वगैरह लंच में लेके आ रही है. खाने के बाद फ्रूट्स खा रही हूं मैं. यस, पहले लेज खाई, ठीक है, उसके बाद फिर फ्रूट्स लेके आई थी अपने लंच बॉक्स में. लेज में अकेली खाई. यस, यानी कि पूरा अभी लेज अकेली खाई हूं मैं. मेरे को एक दो दे देती है ताकि मेरा मुंह ना बने, ठीक है. साथ में रहते तो अब मेरा मुंह बन जाएगा ना, अकेले खाएगी तो. इसीलिए डाइट करते हैं गाइस. एक डाइट क्या लगता है, हम शकल से इतना डाइट करने वाले दिखते हैं, कितना बड़े भूखकर दिखते हैं आपको. पतले हो जा रहे हैं. कौन हो रहा है, मैं या ये बताओ. कोई नहीं, आप कमेंट करो. एक दिन जरूर हम भी मोटे होंगे जब हम भी घर जाएंगे. तो ये अपने घर का खाना खा रही है ना, इसीलिए अभी हम बाहर का खा रहे हैं इसीलिए थोड़े पतले हो रहे हैं. घर में भी नहीं खाती मैं. फिर भी आप लोग कमेंट करके बताना, रूही से ज्यादा पतले है क्या? रूही भी तो पतली है. अच्छा, इनका कहना है कि मेरे रस के कमर में जब हम आए थे फर्स्ट टाइम कोलकाता तो थोड़े मोटे छोटे थे, अभी थोड़े पतले हो गए. आप ऐसा आप लोगों को भी लगता है क्या? कमेंट करके बताना. अभी मेरे को पता चल गया, मेरे को रोस्टिंग करना है, ठीक है. रोस्टिंग नहीं करना, मेरे को रोस्ट करेगा अभी. हमारे साथ एक इंसान और है जो अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं काफी, ये भी पतले हो गए. या दिन पे दिन पतले. हम लड़के लोग पता नहीं क्यों मतलब अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते. बाल भी मतलब क्या बोलते हैं, गिर जा रहा है ना बाल. यस, हेयर फॉल. देखो अभी सीन डिस्कशन हो रहा है. प्रशांत भाई अभी सीन डायरेक्शन दे रहा है और इधर लिटन बैठ गया धूप में बैठ के. मजा आ रहा है क्या? तो क्या आ रहा है? बहुत गुस्सा आ रहा है. ओके चलो. रूही उधर खड़ा हो गया. देखो उधर हमारा बिक्की भाई भी है. धूप के कारण सीन चेक कर रहा है. देखो ठीक ठाक आया क्या प्रशांत भाई? यस भाई. ओके, ज्यादा धूप पड़ रहा है अभी. ना धूप तो है लेकिन ठंडी में मजा आ रहा है. ऊपर से रुई गाना गा रहा है. देखो क्या गाना गा रहे हो रुई? इसलिए मैं बोला कि लड़का आंख मारे. अच्छा, तुम फिर से आ गए. आ गया ना. ओके, चॉकलेट का नीचे वाला देखो. चॉकलेट का नीचे वाला क्या किया पसंद है? क्या ना गाइस कि हमारा वो चॉकलेट फट गया और हमें फिर से सीन में जरूरत है. इसको बढ़िया से मलहम पट्टी करके और फिर से हम लोग सीन में यूज कर रहे हैं. कहीं दिखे ना. चलो लिटन भाई, चलो सीन ले लो. इसे क्लोज शॉट लो, इसका क्लोज शॉट लो. कैसा? परफेक्ट. अपने स्टाइल में एक बार और. परफेक्ट. ओ माय गॉड. नहीं, अच्छा हो रहा है. अच्छा हो रहा है ना? लाइट भी मतलब ग्लो कर रहा है और पीछे वाला का भी. और आपके चेहरे पे जब ये सनलाइट आ रहा है तो और भी ग्लो कर रहा है. तो फाइनली किडनैपिंग सीन चल रहा है. और किडनैप कौन होने वाला है? चलो चलो चलो, ये थोड़ा सा रुमाल नीचे कर दो. 1 2 3 एक्शन एक्शन. ओके, हां कार स्टार्ट करिए भैया. कार स्टार्ट करिए, निकालिए. लिटिल भाई इसी एंगल में रखना, ठीक है, उधर मत जाना. हाँ, इसी एंगल. तू उधर तो आ गया. हाँ. ओके, यस यस जी. हाले मिस्किन वीडियो का मतलब क्या उसको बोलते हैं, माइलस्टोन को देखते हुए इनको फिर से पिताजी का रोल मिल रहा है. इसलिए इनका जो काला काला करके जो बाल है बहुत ही सफ़ेद सफ़ेद किया जा रहा है.
तो लिटन भाई सफेद हो रहा है क्या? हाँ सफेद हो रहा है ना, सूखेगा तो। क्या क्या कुछ बोल रही थी? सफेद करके भी वो ऐसे ऐसे हटा दे रही है सफेद। अच्छा सफेद करने के बाद हटा रहे हैं? हाँ देखो अभी कुछ कहना चाहते हैं मेरे को कैमरा मेरे ऊपर ही आएगा। नहीं आप मेरे को पता था आप कुछ कहना चाहते हैं सफेद बाल के चक्कर में। और ये हाँ बोलिए। मैं क्या बोलूँ? आपका जो ये पर्वत आपका जो ये पर्वत टाइप का बाल है। अच्छा। ये जो सिल न्यास है। हाँ। ये मतलब कि कहने का मतलब झुकता क्यों नहीं है? काटता है ये बाल। कौन काटता है? झोंटू नाम का एक बाल। झोंटू ये झोंटू कौन है? झोंटू एक अजीब सा बंदा है, लेके जाऊंगा सबको, लेके जाऊंगा सबको, लेकर जाएगा। लेकिन ये बाल झुकेगा नहीं है ना। और ये झोंटू जो पापा का रोल कर रहा है अभी लिटन, उसका भी बाल काटता है, एक बार देख लो। अच्छा 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 इनका भी बाल ऊपर है, सही बात है। झोंटू है इनका भी बाल काटता है, वाटर प्रूफ है। हाँ हाँ अच्छा अच्छा क्या मोंटू? और मोंटू काटता है विकी का बाल। अच्छा इनका बाल, इनका बाल मेरा भी स्टे है ना पर्वत जैसा। अच्छा पर्वत गाइस सुनो, जो बंदा अभी व्लॉग कर रहा है ठीक है, मतलब शूटिंग करने के मतलब मिडिल में वो बाल काटने के लिए चला गया। अच्छा कौन? दिखाती हूँ एक बार, दिखा दो मिरर पे, एक बार दिखा दो मिरर पे, बाल काटने को चला गया। वॉइस सुन के सब पहचान गया कौन। अच्छा 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 भाई आप इतना महंगा महंगा क्या उसको बोलते हैं, मेकअप आर्टिस्ट? मेकअप हाँ, मेकअप आर्टिस्ट कहाँ से हायर किए हैं? मतलब दो लोग लगे हुए हैं आपके ऊपर, मतलब कहाँ, मतलब पैसा कहाँ से आता है आपका? वही ना, कहाँ से? मैं एक सेलिब्रिटी है ना इसलिए। ये कौन सा सेलिब्रिटी आप बताइए ना। बॉलीवुड बॉलीवुड उर्वी जादव का क्या आपने लॉन्च किया था? उर्वी जादव का रोल आएगा, ये लिटन भाई आपका पैसा डॉलर में आता है या यूरो में? डंकी टू में मंकी का डॉलर में आ रहा आता है। इसलिए आप जो है पूरा एकदम कभी काला को सफेद कर रहे हैं, सफेद को काला कर रहे हैं, मतलब ये लोग काला करने के पीछे पड़ा हुआ है और आप सफेद कर रहे हैं। क्या कौन सा प्रोडक्ट आप हो? कौन सा प्रोडक्ट आप हो? पैसा आपको पीछे रखते हैं, किधर रखते हैं, किधर रखते हैं पीछे? कौन सा ज्यादा मत बोलो गाइस, ज्यादा मत बोलो, लिटन भाई का पूरा मतलब दिमाग हो जाएगा, उल्टा पल्टा हो जाएगा। कहीं ना सही में कटप्पा वाला रोल में आ गए तो हम लोग को भागना पड़ेगा। ये फेस पे क्या आप दोनों क्या कर रहे हो? इतना मतलब आप दोनों को पेमेंट दिया आपने, फेस पे क्यों लग रहा है? ठीक से काम करो, ठीक से काम करो, सिर्फ दाढ़ी और बाल में करना है। मेकअप आर्टिस्ट प्रशांत एंड रूही। अरे यार क्या बात है यार, मेकअप क्या हो रहा है? रूही मजाक बना दी। नहीं इतना उजला नहीं करना था। नहीं अच्छा लग रहा है, ये व्हाइट ये वाला व्हाइट ज्यादा मत मत ज्यादा मत मत। हां इसको थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट दे देना, वो टाइम से कर रहे। किसको किसको एक्स्ट्रा पेमेंट? इसको एक्स्ट्रा पेमेंट टाइम से कम कर रहे। अरे इसको कम देना, काट कर इसका पेमेंट। हाँ ठीक है, पापा तो नहीं लग रहे हैं। पापा तो नहीं लग रहे हमको, पापा नहीं लग रहा है। पापा बोले आपको पता है मेकअप होता है वो यंग जनरेशन को भी ऐसे मतलब हाँ बूढ़ा बना देता है। या अच्छा आपको वो मेकअप करना चाहिए था। अच्छा ओली को हायर क्यों नहीं किया? ओली को हायर करता तो ऐसा मतलब मेकअप होता ना आपका, ब्लास्ट कर देता आपका फेस। डॉलर नहीं लेता है वो, यूरो लेता है क्या? अब दो कौड़ी में मेकअप आर्टिस्ट को बुलाओगे तो चार कौड़ी वाला काम कहाँ से करेगा? तो राज भाई हॉल का शूट हो रहा है। हाँ, अभी हॉल का शूट हो रहा है और अभी वैलेंटाइन भी चल रहा है। डिंकी मैन वन पापा का गेटअप में कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। अरे फिर से पुराना जमाना है, ऐसा कैमरा धर लिया है क्योंकि हमारे कैमरा मैन जो है वो पापा के गेटअप में है, डेट्स वाई। निकलो क्या 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 बोल रही है? भूलने का दवाई पिला रहा है, भूलने का दवाई। वो बहुत क्या बोलते, गंदा पापा है, गंदा पापा है, गंदा पापा, गंदा बॉयफ्रेंड। एक तो हमारा सारा सीन कंप्लीट हो चुका है ठीक है, और अभी हम अपने लास्ट सीन की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब कि वैलेंटाइन सीन ठीक है। और उसका डेकोरेशन इधर चालू है, मतलब डेकोरेशन क्या उसका प्रिपरेशन चल रहा है। यस बलून वगैरह फुलाया जा रहा है।
डेकोरेशन का प्रिपरेशन चल रहा है। यस, देख सकते हो आप लोग, ये सारा बलून जितना भी है इधर फूकते फूकते हालत खराब है लिटन भाई का। और ये रूही क्या कर रही है? व्हाट आर यू डूइंग रूही? अच्छा अच्छा, वो बुके को थोड़ा डेकोरेट कर रही है, ताजा फूल उसमें लगा रही है। अभी एक्चुअली हम लोग ब्लिंकिट से वो ऑर्डर किए हैं बुके, और ब्लिंकिट पे बहुत ही बड़ा बुके दिखा रहा था, इतना बड़ा बुके दिखा रहा था, और जब ऑर्डर करके यहाँ आया तो देख सकते हो आप लोग इतू सा बुके है। तो आप लोग ब्लिंकिट से कभी भी कुछ ऑर्डर मत करना, नहीं तो आप लोग के साथ भी ऐसा हो सकता है, वहाँ पे कुछ और दिखाता है और मंगवाने पे कुछ और आता है। और प्राइस भी लिया, मतलब या बुके की तरह बड़ा बुके का प्राइस लिया और भेजा छोटा बुके। तो ब्लिंकिट पे ये फर्जी फर्जी काम अभी चल रहा है, तो आप लोग भी संभल के ब्लिंकिट से कुछ भी ऑर्डर करना। ये सारा कुछ लगेगा, उधर एक शेड बना हुआ है, उस शेड के ऊपर पूरा अच्छे से गोल से डेकोरेट होगा, और उसका नीचे जो बैठने वाला है उस पर पूरा रोज पेटल्स भी छा के उस पर हम लोग रेड वेलवेट केक रख के और ये सीन को क्रिएट करेंगे। बाकी लास्ट सीन तो आप लोग देख ही लियोगे, वैलेंटाइन मनने से पहले ही रूही का डेथ हो जाता है इनके द्वारा इनके शुभ हाथों से, जो चक्कू से अभी ये ऑमलेट खा रहे हैं वही चक्कू पेट में घुसेड़ेंगे। पूरा मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं कि कौन बलून फुला रहा है कौन बलून नहीं फुला रहा है। 400 रुपया लगाने के बाद भी हमें इतना इतना डेकोरेट करना पड़ रहा है, तो ब्लिंकिट को 0 रेटिंग हम लोग देते हैं, ठीक है। और मेरा कुछ आउटफिट ये है आज वैलेंटाइन स्पेशल में, जो कि मुझे अच्छा लगा। यस, तो आप लोग भी कमेंट करके बताना कैसा लगा। और वो देखो एक तो चुटकी, सबको भूख लगा हुआ है इसीलिए सब खा रहे हैं। और इनका कैरेक्टर कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि अंडा खाओ और चाकू घुसाओ, अलग ही फॉर्मूला है इनका। हर वीडियो में नेगेटिव कैरेक्टर करते हैं, कभी चाकू घुसाते हैं, कभी गंदा आदमी है ये, रास्ते में जब भी दिखोगे पीटोगे इसको। बाकी स्मार्ट स्ट्रीट पे हमारे ये है मैगी शॉप, जो कि बहुत ही टेस्टी मैगी बनाते हैं। मेहनत चेक कर सकते हो आप लोग, यहाँ जहाँ पे ये पैर रखे हुए हैं वहाँ पे रोज पेटल्स बिछेगा और उसके बाद फिर बलून वगैरह लगेगा, और बीच में वो केक रखेंगे हम लोग वैलेंटाइंस डे का। क्योंकि एक्चुअली गाइस क्या हुआ हमारे साथ कि अभी कोई भी रेस्टोरेंट फ्री नहीं है, ठीक है, वैलेंटाइंस का टाइम चल रहा है तो उतना स्पेसियस हमें कोई भी रेस्टोरेंट नहीं मिला, कोई भी होटल नहीं मिला, और मिल भी रहा था तो उतना स्पेसियस नहीं था, तो जिसके कारण हमें मतलब इधर ही डेकोरेट करके वैलेंटाइन का कॉन्सेप्ट शूट करना पड़ रहा है। और देखा जाए तो यहाँ पे जितना अच्छे से स्पेस में शूट हो पाएगा वो उतना रेस्टोरेंट वगैरह में नहीं हो पाएगा, सो देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ पे। बाकी डेकोरेशन तो चालू है, ये यहाँ पे मैडम जी बैठ के डायरेक्शन दे रही है कि किधर से कौन सा बलून लगाना है, गुलाब लगाना है। ओ माय गॉड, ये तो बूम सरप्राइज है मेरे लिए। क्या चल रहा है चंचल भाई? हम खेल रहे हैं इससे। वो खेलने की चीज है, दिल से खेला जाता है। ये दिल से खेल रहा है, बताइए, दिल से खेला जाता है। किसका दिल से खेलना पड़ेगा? ये चंचल का यही काम है ना, सबके दिलों से खेलते रहता है। कभी आपके दिलों से भी कोई खेल जाएगा तो फेस देखकर पता नहीं चलता, इतना मासूम फेस है। हाँ, कि इतना बड़ा बेवफा निकलेगा फेस के पीछे जो है, सबसे बेवफाई करता है ना। कैमरा की तरफ देख के बोलिए, हिंदी बोलना सीखो उसके बाद हमसे बात करो। वो सही कह रही है, उनके हिंदी को जज मत करिए। हम अपना हिंदी छुपाने के लिए उसका हिंदी। अब बस बेटा, थोड़ा बहुत बाकी है बस केक वगैरह रखना। आप लोग जरूर कमेंट करके बताना कि हम लोग ऐसा उजड़ा चमन लोकेशन पे कैसा डेकोरेशन हुआ है ऑफिशियल पे, उसको हम लोग इतना बलून वगैरह से डेकोरेट किए हैं। और ये देखो ये लोग इसी में मजाक कर रहे हैं। तो राज भाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भाई। डेकोरेट करने के बाद आपको कैसा लग रहा है? इतना आप मेहनत जो की है, इतना अच्छा डेकोरेशन किए हैं, कंटेंट हो रहा है तो इसलिए अच्छा ही लग रहा है। वो तो वीडियो बनने के बाद पता चलेगा ही कैसा लग रहा है। और लोकेशन भी देखो, लोकेशन वीडियो तो आप लोग देख ही लोगे। लास्ट में आके ज्यादा बातें मत करिए, ये सब लेकिन लास्ट में जाएगा, इसलिए तो हम राज भाई को क्रेडिट दे रहे हैं, और रूही जी को भी क्रेडिट जाता है, ये भी पूरा मेहनत की है ये डेकोरेशन में। और बोल रही है हमें कि मक्खन लगाता है, ऐसा कुछ नहीं है।
अच्छा पहले ये बोलो कि कैसा लग रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। ये तो हम थोड़ी बताएंगे, ये तो पब्लिक बताएंगे कि कैसा डेकोरेशन है। यस, सभी लोग मिलके अच्छे से किए हैं। इतना ज्यादा हवा होने के कारण जो बलून सब है वो बार बार उड़ जा रहा है, उसको उठा उठा कर रखना पड़ रहा है, लेकिन तब भी देखिए शूट करने में लगे हुए हैं। एक्शन। हैप्पी वैलेंटाइन्स डे गाइस, हम लोगों की तरफ से आपको आप सभी को फाइनली हमारा पैकअप हो गया है और फिर से हम लोग इतिहास को दोहराए हैं। मतलब एक बारी और हम लोग कोलकाता में एक दिन में पूरा वीडियो कंप्लीट किए थे और फिर से हम लोग एक दिन में पूरा फुल शूट कर लिए, ठीक है पूरा। और वीडियो में एफर्ट तो लगा है लेकिन एक दिन में हुआ है। लेकिन अभी कितना टाइम हो रहा है, शायद 10 बजने वाला है, तो हम लोग सुबह से मतलब शूट कर रहे हैं 1 बजे से और अभी 10 बज गया है, 12 बजे से। यस 12 बजे से तो एफर्ट लगा है, तो आप लोगों को अब देना है प्यार। वैसे वीडियो तो देख ही लिए होगे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना और लास्ट सीन कैसा लगा जरूर बताना। और इन सभी का, हम सभी का एफर्ट जो इसमें लगा है उसके लिए जरूर कमेंट करना कि ये आपको डेकोरेशन छोटा मोटा हमारा डेकोरेशन कैसा लगा, क्योंकि हम लोग ये डेकोरेशन करते टाइम बहुत टाइम लगा। हम लोगों को ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ऐसा कुछ डेकोरेट हो जाएगा, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी हम लोग एडिट वगैरह करेंगे, उसके बाद देखते हैं वीडियो में कैसा लगा। और वीडियो में कैसा लगा ये तो आप ही लोग बता सकते हो, है ना। सो कमेंट करके जरूर बताओगे और सबके एफर्ट को सलाम, लव यू ऑल, सभी को भालोबासी। चलो वीडियो को ढेर सारा प्यार देना, ओके। हैप्पी वैलेंटाइंस डे फ्रॉम आवर साइड। यस, हम सभी के तरफ से आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइंस डे, ओके। चलो bye-bye.